पालवे साहब, आइडिया बेसिकली है, इलेक्शन सामने खड़े हैं, वर्डिक्ट 4 जून को आएगा, स्टॉक मार्केट भी ड्यूली रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसे में नॉट नेसेसरली 4 जून तक का, अपने मतलब है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इस टाइम होराइजन के लिहाज से कोई बढ़िया सी पोजिशनल पिक हो तो बताइए। तो देखिए आशीष जी, हमें लगता है कि मेटल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और वहीं पे हमारी नजर है। वेदांता हमारे स्टॉक रहेगा यहाँ पे। वेदांता को अगर हम देखें तो मई 2022 के बाद अब ये स्टॉक मंथली बेसिस पे 400 पार की क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है। तो 2 साल के बाद स्टॉक ने अब 400 का लेवल क्रॉस किया है, तो 400 पार की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है वेदांता के लिए। और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है ये यहाँ पे, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट 450-460 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द मंथ देखने को मिली है वेदांता में, और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा है मेटल स्पेस में, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 1 से 2 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 तक की अपसाइड वेदांता में आते हुए दिखेगी। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, 385 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता, क्या मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में। पालियो साहब कह रहे हैं पोजिशनली 450 की कर रहा है तैयारी, खरीद लीजिए। गौरांग सर, कोई बढ़िया सी पिक। बिल्कुल आशीष जी, तो पिछले हफ्ते जब हम आपसे जुड़े थे तो कविता जी ने और हमने रक्षा क्षेत्र से, कविता जी ने मेरे ख्याल से भारत फोर्स पसंद किया था और हमने कोचिन शिपयार्ड पर टिप्पणी दी थी। आज भी हम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सरकारी नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और ये कंपनी का करीबन 38% बाजार में हिस्सा है जहां तक भारतीय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है। ये कंपनी की बुनियादी काबिलियत जो है वो रडार एंड वेपन सिस्टम्स में है, डिफेंस कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी जो इनकी ताकत है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, जो कि आज के तारीख में और आने वाले भविष्य में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुनाफा बहुत बढ़िया तरीके से इनका ऊपर गया था पिछली तिमाही में, और हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि इसमें और सुधार होगा जब चौथी तिमाही के नतीजे हम देखेंगे। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है आशीष, और हमें लग रहा है कि इस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम करने में ज्यादा तकलीफ या मुसीबत बीईएल को नहीं होगी, क्योंकि इनके पास अनुभव है, काबिलियत है, टेक्नोलॉजी है और सबसे महत्वपूर्ण मैन पावर है। 280 तक के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए। उधर है वेदांता, इधर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रखे रडार पे स्टॉक्स, और मुनाफे की तैयारी समेट के अब शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।